अपनी स्प्रिंग 2020 की वर्कशॉप्स ऑनलाइन करवा रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन वर्कशॉप्स में शिरकत करने का तरीकेकार बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें, अगर आपको लॉगिन पासवर्ड का एसएमएस मौसूल नहीं हुआ तो अपने मुतल्लिका इलाकाई दफातर से राब्ता करें। इनके ईमेल एड्रेसेस का लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लॉगिन पासवर्ड वसूल करने के बाद सबसे पहले आप आगे की वेबसाइट ओपन करेंगे, जिसका यूआरएल है aghi.aiou.edu.pk। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लें। लॉगिन होने के बाद ये वेब पेज लोड होगा। इसमें आप माय कोर्सेज के मेन्यू में जाएं, आपके तमाम कोर्सेज और ग्रुप्स एक लिस्ट की शक्ल में नजर आएंगे। आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि आपके तमाम कोर्सेज इसमें अपडेटेड हैं। उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक अपना कोर्स मुंतखब करें। कोर्स का होम पेज खुल जाएगा जो कि कुछ इस तरह का है। तमाम कोर्सेज के होम पेज एक जैसे हैं। आप कोर्स कोड से देख सकते हैं कि ये कौन सा कोर्स है। अब आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करें, आपको आपका वर्कशॉप शेड्यूल नजर आएगा। ये मुकम्मल शेड्यूल है। इसमें वर्कशॉप का नंबर, डेट और टाइम लिखा हुआ होगा। ये वर्चुअल क्लासरूम सिर्फ अपने टाइम पर ही ओपन होंगे, इससे पहले आप इनको ज्वाइन नहीं कर सकते। अब आप शेड्यूल के मुताबिक अपनी वर्कशॉप लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा। इसमें आपको ज्वाइन सेशन का बटन नजर आ रहा है, इस बटन पर क्लिक करें। पेज लोड होने के बाद आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, लिसन ओनली और माइक्रोफोन। आप लिसन ओनली पर क्लिक कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारे स्टूडेंट्स लिसन ओनली का मोड ही चूज करेंगे। उसके बाद ये आपका स्पीकर टेस्ट करेगा कि क्लासेस आप लोग अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से या फिर किसी भी पीसी से ले सकते हैं। उसके स्पीकर्स आप टेस्ट कर लीजिए, जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप वर्चुअल क्लासरूम में हैं। ये क्लासरूम तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में आपको तमाम तुलबा और असातिज़ा के नाम नज़र आ रहे होंगे जो कि वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा बेहद अहम है, ये चैट बॉक्स है। अगर आप टीचर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करके पूछ सकते हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ रखें ताकि लेक्चर्स स्मूथली डिलीवर हो सकें। अगर स्टूडेंट्स ने कोई सवाल पूछना है या कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे और टीचर उनको बोलकर या यही चैट बॉक्स में लिखकर जवाब देंगे। तीसरा हिस्सा प्रेजेंटेशन एरिया है। यहाँ पर टीचर्स अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे या इसको एज अ वाइट बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब आप अपना लेक्चर सुन सकते हैं। टीचर्स आपकी अटेंडेंस इसी क्लासरूम से लेंगे। जब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए तो लेक्चर के अख्तिताम पर दाएं तरफ ऊपर कोने में आपको तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन पर क्लिक करें और लॉग आउट कर लें। लॉग आउट करने के बाद ये आपको आगे एलएमएस पोर्टल पर वापस ले जाएगा। आपने अपनी आइंदा वर्कशॉप्स भी इसी तरह से अटेंड करनी है। आगे पोर्टल से लॉग आउट करने के लिए दाएं तरफ कोने में अपने नाम के ऊपर माउस लेके जाइए। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, इसमें आखिरी ऑप्शन है लॉग आउट। इस तरह से आप आगे एलएमएस पोर्टल से भी लॉग आउट हो जाए। हाफिज़।